देखो फेसबुक मार्केटिंग के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया में हम लोग, देखो सोशल मीडिया बोलने से नॉट ओनली फेसबुक, अदर प्लेटफॉर्म भी है जैसे तुम्हारा लिंक्डइन भी हो गया, ये सब तुम्हारा ट्विटर भी, ये सब भी सोशल मार्केटिंग का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फेसबुक मतलब ज़्यादा चल रहा है, इंस्टाग्राम भी, ये सब ये तो फेसबुक मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये फेसबुक ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो इतना कुछ यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, इसके मदद से तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और हालांकि फेसबुक हर कोई यूज़ करता है, सबको पता भी होगा, ये सब चीज़ें कॉमन जाते हैं। तो सबसे पहले देखो अपना खुद का एक पेज बनाना है फेसबुक में, तुम्हारा प्रोफाइल वाला नहीं, तुम जो भी बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ एक पेज बना लो। एक तो होता है तुम्हारा प्रोफाइल पेज, वो अलग, लेकिन एक यहाँ पे बिज़नेस से जुड़ा हुआ एक अलग से एक पेज बना लो। और यहाँ पे पेज बनाने का ऑप्शन आ ही जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, क्रिएट पेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो मेरा देखो मैं अपना ही जो एग्जिस्टिंग डाटाकॉम इंस्टीट्यूट का वो पेज है उसमें तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है, ज़रा समझ लो कि मेरा इस नाम से पेज ऑलरेडी बना हुआ है, डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट नाम से। तुम अपना प्रोफाइल में जाओ, वहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन मिल जाएगा तुमको, और अपना एक अच्छा सा जो तुम जो भी बिज़नेस कर रहे हो बिज़नेस से जुड़ा हुआ कोई नेम असाइन कर दो, उसका एक ग्राफिक्स अच्छा सा इमेज बना लो, बैनर बना लो और बैनर को उसमें डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी सबसे पहला काम क्या होता है, पेज तो तुम बना लोगे, कोई यहाँ पर बिग रॉकेट साइंस नहीं है पेज बनाने में। तो फेसबुक के थ्रू अगर तुमको मार्केटिंग करना है, इसमें भी दो ऑप्शन है, एक तो हो गया तुम्हारा विदाउट बिना पे किए ही, और दूसरा हो गया क्या पे करने के बाद, पे करके तुम मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली फेसबुक में मैं सजेस्ट करूँगा तुम पेड मार्केटिंग यूज़ करो, उसमें ज़्यादा तुमको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। हालाँकि मैं दो ही तुमको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला बात ये हो गया कि नॉर्मली देखो फेसबुक तो ऑलरेडी ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना खुद का प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। इसे ज़रूरी नहीं कि फेसबुक को तुमको गूगल में लाना है, ये सब बात नहीं आता है यहाँ पे, फेसबुक को गूगल के टॉप में लाना है या तो ये सब नहीं। फेसबुक अपने आप से एक टॉप प्लेटफॉर्म है, उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का ज़रूरत नहीं है। फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है उसी में ही तुम्हारा जो प्रोफाइल है उसको तुमको क्या करना है, लोगों तक लेके जाना है, तुम्हारा क्लाइंट तक लेके जाना है, तुम्हारा कस्टमर तक लेके जाना है, तुम्हारा जो प्रोफाइल है, तुम्हारा जो पेज है जिस बिजनेस से जुड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉमन बात है, जब भी अपना फेसबुक पेज को बनाते हो सबसे पहले देखो वहाँ पे पेज अगर खाली खाली है तो पेज तुम्हारा उतने अट्रैक्टिव होगा नहीं। तो पेज में तुमको सबसे पहले कुछ कॉन्टेंट डालना पड़ेगा। कॉन्टेंट मतलब यहाँ पर कॉन्टेंट बोले तो पोस्ट, सीधा सा बात है। यहाँ पर फेसबुक में किसी भी सोशल मीडिया पर अपना कॉन्टेंट डालना मतलब पोस्ट डालना, क्लियर। कोई भी सोशल मीडिया हो, अपना कंटेंट मतलब तुम्हारा अपना पोस्ट, तुमको पोस्ट वहाँ पे डालना है। तो पोस्ट डालना है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेसबुक में पोस्ट करना तो हम अपना प्रोफाइल, अपना पर्सनल प्रोफाइल में भी पोस्ट डालो, यहाँ पे पोस्ट डालो, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ मिल सकता है। तो देखो पोस्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे ये मैंने खोल के रखा है डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर पोस्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन मिलेगा, देखो ये जो ऑप्शन, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। मैं जस्ट अभी पोस्ट का बात बोल रहा हूँ। तो जब अपना पेज खोलोगे तुमको डायरेक्ट ये ऑप्शन मिल ही जाएगा, क्रिएट पोस्ट। ओके, तो मेरे यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट पोस्ट। तो पोस्ट मतलब क्या है समझ लो कि मैंने जो मेरा पुराना पोस्ट है तुम लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये एक पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना कंटेंट डालोगे, अपना टेक्स्ट डालोगे, अगर इमेज है तो इमेज डालो, अगर कोई तुम्हारा वीडियो है तो वीडियो डालो, जो भी हो, ये एक पोस्ट हो गया, ठीक है। ये भी एक तुम्हारा क्या हो गया, पोस्ट हो गया। ये सब क्या है, पोस्ट। ये तुम्हारा प्रीवियस डेट में डाला हुआ कुछ पोस्ट है। तो अभी मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ नया करके पोस्ट कैसे डालना है। तो पोस्ट डालने के लिए क्रिएट पोस्ट वाला तुमको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करते ही तुमको ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो पोस्ट तुम इस तरह से भी डाल सकते हो, या तो अलग ऑप्शन क्या है, तुम यहाँ पर क्लिक करके भी पोस्ट डाल सकते हो, एक ही बात है। तो ये तो कॉमन बात समझ में आ रहा है। अगर तुमको अपना पोस्ट के साथ टेक्स्ट के साथ अगर फ़ोटो भी डालना है, वीडियो भी डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, या तो यहाँ से भी जाकर भी कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा जब भी तुम लोग पोस्ट डालो सिर्फ टेक्स्ट वाला पोस्ट मत डालो, क्योंकि टेक्स्ट पोस्ट अट्रैक्टिव होता नहीं है, वो यूज़र को अट्रैक्ट नहीं करता है। पोस्ट में कहीं ना कहीं तुमको कोई ना कोई इमेज डालना ज़रूरी होता है। रेकमेंडेड है, ज़रूरी नहीं है, रेकमेंडेड है कि पोस्ट के साथ साथ तुम कोई इमेज डालो, कोई वीडियो डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो कि एक्चुअली लोग क्या होता है, लोग आजकल लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं होता है, लोग ऊपर से दिखता है। अगर कोई उसको कंटेंट ऊपर से दिख के अच्छा लग गया तभी जाके वो उसको क्लिक करता है, उसके अंदर तक जाके उसको मतलब थोरोली उसको रीड करता है। तो ये लोगों का अट्रैक्शन तुमको अगर खींचना है तुम्हारा पोस्ट के मदद से, तो तुम क्या करोगे, एक अच्छा सा इमेज बनाओ या तो अगर वीडियो बनाओ जो भी हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले इमेज। तो इमेज कुछ इस तरह से बनाओ, वहाँ पे इमेज में वो तुम क्या किस चीज़ से जुड़ा हुआ पोस्ट डाल रहे हो, पूरा का कंटेंट का एक ब्रीफ डिटेल 2-3 वर्ड में या 2-3 लाइन में तुम उस इमेज के साथ उसको एक्सप्लेन कर दो। तो उसी चीज़ से अगर वो अट्रैक्ट हो गया तो आगे जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ भी नहीं हो सकता है वो चीज़, कोई किसी पोस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, बेकार में उसमें जाएगा तो उसका कोई का मतलब का नहीं है। तो इमेज से ही तुम कंटेंट को डिस्क्राइब कर दो 2-3 वर्ड या 2-3 लाइन में, ठीक है, और इमेज को अट्रैक्टिव बनाओ जो भी हो। अच्छा ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी पोस्ट कैसे डालना है। तो पोस्ट डालने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो मैं समझ लो कि मैं यहाँ पे फ़ोटो या तो वीडियो जो भी हो जिससे जुड़ा हुआ मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ़ोटो में क्लिक करने के बाद मतलब क्या है कि मुझे अभी फ़ोटो चूज़ करना है, मैं कौन सा फ़ोटो के थ्रू मैं अपना पोस्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा शायद फ़ोटो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मैंने तो सेव रखा नहीं, जस्ट वेट, हाँ मेरे पास फ़ोटो, तो ठीक है मैं यहाँ से डेस्कटॉप से एक फ़ोटो उठा लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी भी सेव किया यहाँ पे, जो कौन सा था, आई थिंक अभी डाला था ना, कौन सा मैंने डेस्कटॉप में डाला था ना मैंने, भैया ऊपर में है यह वाला, चलो ठीक है। तो मैंने ये एक पोस्ट यहाँ से उठा लिया, ये एक फ़ोटो है, ठीक है। देखो तुम इस फ़ोटो में कुछ चीज़ ध्यान दो, जैसे मैं फ़ोटो को तुमको बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको देख लो। अच्छा पहले फ़ोटो डालो, फ़ोटो के साथ साथ जैसे मैंने इमेज डाल दिया, इमेज में मैंने डिस्क्राइब कर दिया 2-3 चीज़ सेंटेंस लिख के, मैं समझाऊँगा बाद में। पहले तो यहाँ पर इमेज डालो, इमेज के साथ अपना कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है। तो राइट समथिंग टू, मतलब ये जो तुमने इमेज डाला है ये किससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में 2-3 लाइन, ज़्यादा मत लिखो, 2-3 लाइन ज़्यादा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कस्टमर को मतलब जो तुम्हारा क्लाइंट है, जो भी व्यूअर है, उसको 2-3 लाइन में तुमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और सेकेंडली ओनली फ़ोटो या तो इमेज या तो यहाँ पे जो भी तुमने टेक्स्ट डाला है वो सफिशिएंट नहीं है किसी को फुल पूरा का कॉन्टेंट्स को डिस्क्राइब करना, तुमको उसको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है जहाँ पर कि उसको पूरा डिटेल्स मिलता हो, हर चीज़ वहाँ पर मिल रहा हो। ये तो जैसे एक पोस्ट है, पोस्ट में तुम हर चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान में रखना, जब भी कुछ इमेज डालते हो या तो कुछ टेक्स्ट डालते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अपना मर्जी नहीं भी दे सकते, इससे कोई बात नहीं, लेकिन लिंक एक डालो वहाँ पे पोस्ट के साथ साथ। जैसे मैंने इमेज डाला है, इमेज के साथ साथ एक लिंक डालना भी तुम्हारे लिए रेकमेंडेड है, जो कि तुमको हेल्प करेगा। तुम्हारा यहाँ पे तुमको 2 फ़ायदे मिलने वाला है, एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट या तो सर्विस का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन कस्टमर को, व्यूअर को मिलने वाला है उस लिंक में जा करके। अगला तुमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जो भी उस लिंक में क्लिक करेगा जब भी कोई, और वो लिंक क्या होगा, नो डाउट तुम्हारा वेबसाइट होगा, समझ में आ रहा है। वो लिंक क्या होगा, तुम चाहे तो उसको किसी भी जगह में उसको फॉरवर्ड कर सकते हो अपने लिंक की मदद से। तो मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हारा अपना वेबसाइट तक उसको रीडायरेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, तुम्हारा वेबसाइट का व्यूअर्स या तो विजिटर भी बढ़ेगा, और जो कि तुमको सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में तुम्हारा रैंकिंग आगे ले जाने में मदद करेगा। क्योंकि जब व्यूअर्स बढ़ता है, व्यूअर भी एक तरह से रैंकिंग में हायर पोजिशन पाने का एक मेजर फैक्टर है। जितना ज़्यादा जिसका व्यूअर होता है उसको सर्च इंजिन ऊपर लेके जाता है, क्योंकि ये व्यूअर में ज़्यादा मतलब क्या, ये वेबसाइट कुछ मतलब का है, इससे लोगों को कुछ मिल रहा है, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो एल्गोरिथम है गूगल का, वो भी उसको हायर पोजीशन प्रोवाइड करता है व्यूअर ज़्यादा होने से। तो तुमको यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो भी अपना खुद का तुम्हारा वेब प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर तुम वेबसाइट बना कर रखो तो उसमें लेके जाओ, अगर तुम्हारा कोई इस तरह का दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी हो, मतलब मोस्टली वेबसाइट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे इमेज डाला है, तो यहाँ से मैंने किससे जुड़ा हुआ इमेज डाला है। इमेज में अगर ध्यान दोगे तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेनिंग ऑन बिग डाटा हाडूप, बस ठीक है। ये जो इमेज में ही मैंने कुछ बातें यहाँ पे कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ को मैंने अभी व्यूअर को या तो यूज़र को मैंने बोल दिया कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ इमेज है, मतलब एक कोर से बिग डाटा हड़प उससे जुड़ा हुआ ये इमेज है, उसका ट्रेनिंग के ऊपर जुड़ा हुआ। तो कोई भी अगर इस कोर से जुड़ा हुआ है तो नो डाउट वो इसमें क्लिक करेगा, क्योंकि इसमें तो उसको फुल डिटेल्स नहीं मिल रहा है ना, कोर्स कितना लेंदी होगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, फीस कितना होगा, जो भी होगा, क्लासेस वगैरह होगा। वो चीज़ तुम अपना खुद का जो वेबसाइट है, जो भी है, जहाँ तक तुम उसको रीडायरेक्ट करोगे वहीं पे जाकर उसको मिल जाएगा। तो अगर कोई इस चीज़ से जुड़ा हुआ इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इसमें इमेज में लिंक करेगा। देखो इमेज से ज़्यादा अट्रैक्शन आता है कि नहीं। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ट्रेनिंग ऑन बिग डाटा हडूप, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, वो ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है, तो समझ लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनिंग ऑन बिग डाटा हडूप, ठीक है। तो ये सोचो कि इमेज है ही नहीं, यहाँ पे इमेज नहीं है, तो सिर्फ ये कुछ लाइन लिखने से अट्रैक्टिव होगा क्या? किसी को पता ही नहीं, कोई तो ऐसे ही स्क्रॉल करके चला जाएगा इसको, लेकिन इमेज कभी ना कोई देखेगा, कुछ तो समझ में आएगा बड़ा। और हमेशा याद रखना, जब तुम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हो बड़ा फॉन्ट में लिखना, छोटा फॉन्ट नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है, मतलब एक ऑप्टिमाइज लेवल में एक बड़ा फॉन्ट में लिखना कि वो क्लियरली विजिबल हो जाए फॉन्ट, ठीक है। छोटा फॉन्ट में लिखोगे तो दूर से, मतलब मैंने बोला ना, कोई हर कोई तो मोबाइल इसको आजकल फेसबुक में क्या करता है, स्क्रॉल करता है, तो स्क्रॉल करते हुए ही वो उसको उसमें आँख में लग जाना चाहिए कि ये एक पोस्ट है, अच्छा लग रहा है उसको, तो क्लिक करेगा वो, तो बात वही है। तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अभी दूसरा बात क्या है, तुम्हारा अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम, तुम जिस, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा दो बात है, देखो, एक तो तुम क्या चीज़ से डील कर रहे हो उसका एडवर्टाइज़ कर रहे हो, वो तुम लोगों को बोल रहे हो, दूसरा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम हमेशा देना मत भूलना। देखो ये सब चीज़ें करना जरूरी नहीं है, रेकमेंडेड है पब्लिसिटी के लिए, क्यों, इससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम क्रिएट होगा, एक ब्रांड, तुम्हारा ब्रांड का एक लोगों तक नाम, तुम्हारा ब्रांड नेम लोगों तक पहुँचेगा कि इस नाम से एक बिज़नेस है, ठीक है। जब कोई फेसबुक में देखेगा ये नाम इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, फिर भी और एक पोस्ट आया उसी चीज़ से जुड़ा हुआ, वही ऑर्गेनाइजेशन का नेम इसको मिलेगा, तो उसके दिमाग में सेट हो जाए कि ये सब चीज़ें यही ब्रांड नेम से जुड़ा हुआ है, मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ डील करता है, तब वो लोग उसको सर्च करना शुरू करता है। बाद में अब तुम्हारा अपना ब्रांड नेम से वो लोग सर्च करना शुरू कर देगा, क्योंकि तुमने उसको दिखाते दिखाते उसका माइंडसेट बना दिया। तो ध्यान में रखना, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसको भी साथ साथ यहाँ पे तुमको डिस्क्राइब देना है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख के रख दिया, क्या देखो, इमेज में लिख के रख दिया डाटाकॉम आईटी इंस्टीट्यूट, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। देखो ये खुद भी अपना क्रिएटिव माइंड से सोचो और खुद भी कुछ कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें, मैं जस्ट कॉमन बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे। और एज ए होल मैंने अपना वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी डाल दिया, ये तो मैंने डिज़ाइन किया, तुम और भी बेहतरीन तरीके से, ये कोई खास डिज़ाइन हुआ नहीं, तुम इसको और भी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इतना लिखा, और मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे कुछ लिख दो, टेक्स्ट भी लिख दो, ओनली इमेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि तो मैंने बोला ही है, उसके साथ तो कुछ टेक्स्ट तुमको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जस्ट ऐसे ही लिख दिया, ट्रेनिंग ऑन बिग डाटा हडूप फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर मोर डिटेल्स, क्या लिखूँ मैं, क्लिक द, ठीक है, ऐसे ही मैं जस्ट लिख रहा हूँ, क्लिक द लिंक बिलो। और यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, अपना जो भी वेबसाइट का जो भी लिंक है इससे जुड़ा हुआ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। समझ लो अभी मेरा वेबसाइट में मेरा, समझ लो यहाँ पे मैं जो भी बिग डाटा हडूप से जुड़ा हुआ मेरा जो भी लिंक है, मैं उस लिंक तक यहाँ पे उसको ले जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मैं दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट जैसे ये तो मेरा वेबसाइट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बिग डाटा हडूप वाला जो भी कोर्स है यहाँ से उसको एडिट करा दूँगा मैं, उसको ऑल कोर्स में जाके यहाँ पे शायद मैंने दिया नहीं कोर्स का डिटेल्स, जो भी हो समझ लो मैंने किसी एक पेज को यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे ये हो गया बिग डाटा हडूप डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक, और ये लिंक, ये जो लिंक है यहाँ से मैंने उठा दिया इसको, और इसको जाके मैंने कहाँ पेश कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, क्लियर हो गया। मैंने इमेज दिया, इमेज में जस्ट 2-3 वर्ड बोला। अभी उसके बारे में अगर किसी को फर्दर जानना है तो वो क्या करेगा, इस लिंक में क्लिक करेगा। तुम बहुत सारा यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, मैं जस्ट शॉर्टली समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो जब भी कोई पोस्ट डालना है ध्यान में रखना, पोस्ट का कंटेंट जो होगा उसमें इमेज या तो वीडियो तुम रखना, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव होगा। टेक्स्ट 2-3 लिख देना, 2-3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस लिख देना, वहाँ पे ज़्यादा भी लिख सकते हो। और एक लिंक प्रोवाइड करना जिस लिंक की मदद से तुम उसको डिटेल में सब कुछ दे सकते हो। और हो सके तो अपना खुद का वेबसाइट का, इससे मेरा क्या होगा, एसईओ का रैंकिंग भी बढ़ेगा इसमें, ठीक है। जो कि होता है बैकलिंक, जिसको बोलते हैं एसईओ में, इसको बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक मतलब तुम्हारा वेबसाइट में बाहर से लिंक आ जाना, बाहर वाला कोई अगर तुम्हारा वेबसाइट तक लिंक दे रहा है तो वो होता है बैकलिंक। देखो बैकलिंक जैसे अगर समझ लो कि मैंने थोड़ा देर पहला व्यूअर, यहाँ से कोई तुम्हारा लिंक में यहाँ पे क्लिक करके तुम्हारा वेबसाइट में जा रहा है तो तुम्हारा व्यूअर मतलब विजिटर बढ़ रहा है, ये एक तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा क्या आ रहा है, तुम्हारा तुमको बैकलिंक मिल रहा है तुम्हारा वेबसाइट को। बैकलिंक मतलब तुम्हारा अपना वेबसाइट और दूसरा वेबसाइट ओनर उसका वेबसाइट में तुम्हारा वेबसाइट का लिंक डाल दिया किसी कारण से, समझ लो। तो जब भी कोई उसमें से तुम्हारा, तो मतलब क्या, तुमको एक बैकलिंक मिल गया, इसका मतलब क्या है। और बैकलिंक जितना ज़्यादा होगा वो भी एसईओ में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्लस पॉइंट है यहाँ पे इस तरह का चीज़ें करना। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ऐड टू योर पोस्ट में, तुम अगर पोस्ट के साथ साथ तुम जैसे समझ लो कुछ बटन्स लगाना है, यहाँ पे दे के रखा है गेट मैसेज बटन, मतलब क्या है कि अगर कोई पोस्ट देखेगा उसमें एक बटन भी मिल जाएगा, उसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करना है तो तुम यहाँ पे ये डाल सकते हो, अपना मर्जी है, गेट मैसेज। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो सेंड मैसेज वाला एक बटन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं है, खुद भी तुम लोग करके देखना एक बार। ये सब जरूरी नहीं है, अभी कोविड-19 अपडेट आ रहा है, फ़ोटो वीडियो तुमको अगर और भी डालना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। हो गया बात समझ में। तो ये बूस्ट वाला बाद में आएगा, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, पेड वाला काम करते हैं। जो पेड मार्केटिंग होता है वो बूस्ट की मदद से करते हैं। अभी पेड में नहीं जा रहा हूँ मैं, नॉर्मल बातें बोल रहा हूँ। तो मैंने जस्ट सिंपली इसको, और ये हमेशा पब्लिक रखना है इसको, और मैंने इसको अभी यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो ये सिंपल सा बात है, पोस्ट करना ही है, लेकिन पोस्ट में किस तरह से कॉन्टेंट डालना है थोड़ा सा तुमको ध्यान में देना है। ठीक है, तो ये पोस्ट हो रहा है। चलो ये पोस्ट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको एक बार रीलोड करके चेक कर लेते हैं ये पोस्ट आया कि नहीं। अभी देखो पोस्ट डालना ही सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे लिए। पोस्ट तो मैंने डाल दिया, चलो ठीक है, पोस्ट मैंने डाल दिया। तो देखो ये टेक्स्ट से ज़्यादा इमेज ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है कि नहीं। तो अभी तुमको नोटिस करना, अभी तुमको दिखना है यहाँ पर पोस्ट तो मैंने डाल दिया, लेकिन मेरा पोस्ट कितना लोगों तक पहुँच रहा है, यही मेन चीज़ है ना। पोस्ट डालने से क्या होगा, ये पोस्ट लोगों तक, लोगों का फेसबुक प्रोफाइल तक पहुंचना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, यही हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो तुम कितना लोगों तक तुम्हारा पोस्ट जा रहा है बिना पे किए, पेड बिना पे किए, ये कितना लोगों तक तुम्हारा पोस्ट रीच हो रहा है, यही तुमको भी ध्यान देना है। देखो पेड करके भी हम लोग लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन बिना पेड किए तुम कितना लोग तुमको यहाँ पर व्यू कर रहा है वो भी तुमको देखना है। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा पेड वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर भी देखो अभी अभी तुमको पता कैसे चलेगा कि कितना लोग रीच कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, नीचे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, 0 people reached 0 engagements। मतलब अभी तक ये पोस्ट किसी को मिला नहीं। अच्छा, किसी को मिलने का मतलब क्या है, जैसे तुम कोई फेसबुक, अपना फेसबुक प्रोफाइल तुम सर्व कर रहे हो, ठीक है, तुम स्क्रॉल करते करते तुम्हारा वहाँ पर मेरा ये पोस्ट दिख गया, तो मतलब एक रीच मिल गया। मतलब किसी के वहाँ पर अगर दिख गया मेरा पोस्ट तो मतलब मुझे एक रीच मिल गया। ओके, इंगेजमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ दिखना ही नहीं है, दिखने के बाद जब उसमें किसी ने कुछ उसके साथ, उसके ऊपर कुछ रिएक्ट किया, उसमें क्लिक किया, समझ लो किसी ने उस इमेज में क्लिक किया, किसी ने लिंक में क्लिक किया, किसी ने सेंड मैसेज में क्लिक किया, ये हो गया इंगेजमेंट। ठीक है, रिएक्ट करना। ओके, तो फिर से मैं एक बार, अभी देखो अभी जस्ट इंस्टेंटली मैं क्या, थोड़ा बात फिर से मैं एक बार रीलोड करता हूँ इसको एक बार, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा लाइव में अपडेट नहीं दिखाएगा, अभी दिखाएगा। एक बार रिफ्रेश कर दो तो देखो शायद तुमने क्लिक किया है, हाँ, तो वो देखा एक इंगेजमेंट आ चुका है। आएगा वो धीरे धीरे आएगा, कभी कभी इतना तुम्हारा मतलब रियल टाइम में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समय लगता है, ये सब आ जाएगा थोड़ा देर बाद, ये सब भी दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन किसने देखा वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो काउंट तुमको शो करेगा। ठीक है, अभी रीच का बात यह है, यहाँ पर तुम शायद मैनुअली सर्च किया है तुमने, इसीलिए ठीक है, ये तो अपने आप से जाएगा ना। तो देखो रीच भी आएगा धीरे धीरे। अच्छा, तो मेन तो चीज़ यही है ना, अभी तुमको रीच चाहिए, और सिर्फ रीच से काम नहीं बनने वाला है। तुमको 1000, 100, लाख रीच हो गया लेकिन इंगेजमेंट एक भी नहीं मिला, तो उससे क्या मतलब है, मतलब कोई भी पोस्ट से इंटरेस्टेड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे ध्यान में देना है, इंगेजमेंट कितना हो रहा है। इंगेजमेंट मतलब जो उससे मतलब रिलीवेंट व्यूअर है तुम्हारा पोस्ट से, जिसको मतलब है वो लोग वहाँ पर क्लिक कर रहा है, वही तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीच जितना हो जाए, नो डाउट रीच से ही आएगा इंगेजमेंट। अगर तुम्हारा रीच हो ही नहीं रहा तो इंगेजमेंट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ मुझे बढ़ाना है, मतलब मुझे इंगेजमेंट गेन करना। जैसे मैं थोड़ा नीचे वाला पोस्ट में जाता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे 1 engagement है, 46 people रीच है। ठीक है, और थोड़ा नीचे जा रहा हूँ मैं, देखो 16 engagement है, 123 people रीच है। यहाँ पे तुमको ये भी पता चलता है तुम्हारा कौन सा पोस्ट कितना ज़्यादा मतलब लोगों के लिए कितना ज़्यादा मतलब यूजेबल है, कितना लोग तुम्हारा किस पोस्ट को पसंद कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो, इसका टाइम का भी बात होता है। ठीक है, यहाँ पे 46 people रीच होने के बाद मुझे 1 engagement मिला, और यहाँ पे देखो 123 people रीच होने के बाद कितना एंगेजमेंट मिला। नो डाउट ये इसके साथ अगर इसको कंपेयर करो, ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, तो मुझे ये भी पता चलता है मेरा बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट या तो सर्विस ज़्यादा लोगों तक किसके ऊपर लोगों का डिमांड ज़्यादा है, इस चीज़ के ऊपर लोगों का डिमांड ज़्यादा है, मुझे ये पता चल रहा है। ये सब मैं कोई पे से नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल पोस्ट से कर रहा हूँ। तुमको पता चलता है कि तुम किस चीज़ के ऊपर लोगों का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। रीच तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इंगेजमेंट रीच ज़्यादा हो सकता है। तो ये वाला मेरा पोस्ट का डिमांड ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा अपना बिजनेस में इस चीज़ या सर्विस या जो भी हो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा। ये चीज़ मैं थोड़ा और भी बेहतरीन तरीके से सर्विस प्रोवाइड करूँगा, इसको थोड़ा और भी बेहतरीन तरीके से मैं एडवर्टाइज़ करूँगा, जो भी करूँगा मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँगा, क्योंकि मुझे एक रियल टाइम मुझे फीडबैक मिल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये इंगेजमेंट, तुम इंगेजमेंट तुमको ध्यान देना है हमेशा, ठीक है। चलो अभी फिर से इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई रीच हुआ कि नहीं अभी तक। देखो यहाँ पे अभी 1 पीपल रीच हुआ, लेकिन बहुत स्लो जा रहा है ये, है कि नहीं, बहुत स्लो जा रहा है। नॉर्मली ऐसे ही जाएगा, नॉर्मली ऐसे जाएगा। तो तुमको रीच बढ़ाना है, नो डाउट। इंगेजमेंट कहाँ से आएगा? रीच से ही आएगा ना, अपने आप से नहीं आ जाएगा। तो तुमको सीधा सा बात है, यहाँ पे रीच बढ़ाना है और मुझे दिखना है कितना इंगेजमेंट आता है वहाँ पे, रीच कैसे बढ़ाया जाए, यही सबसे बड़ा इशू है। देखो तुम पेड में जाओगे तो इंस्टेंटली तुम्हारा रीच बढ़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन बिना पे किए रीच तुम कैसे बढ़ाओगे? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे तुम्हारा पोस्ट जितना शेयर होगा। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, जब भी कोई वीडियो डालता है, कुछ डालता है, बोलता है कि शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट डालिए, लेकिन शेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉमेंट डाले या ना डाले मतलब नहीं है, कोई लाइक करे या ना करे मतलब नहीं है, शेयर। लाइक करो ना करो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा पोस्ट तक लोगों तक पहुंचाना है तो शेयर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अगर कोई शेयर ही नहीं करेगा तो रीच बढ़ेगा नो डाउट, एक नॉर्मल वे में बहुत ही स्लो जाएगा। शेयर से बहुत रेपिडली रीच बढ़ता है, क्योंकि क्यों देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी देखो मैं इस पोस्ट को मैं खुद ही अपना ही, मैं किसी दूसरे में शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का ही प्रोफाइल में शेयर कर रहा हूँ। चलो मैं इसको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शेयर टू एक ग्रुप दे रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ इसको, जैसे तुम लोग भी तुमने जो देखा है उसको एक बार शेयर कर दो उस पोस्ट को, हाँ कर दिया। और मैं भी एक बार यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन से अपना इसी पोस्ट को अपना मोबाइल फ़ोन से मैं एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर देखना इसका पीपल रीच कितना होगा। अभी तो नॉर्मल में जा रहा था ना, मैं एक बार शेयर करता हूँ यहाँ से, एक बार खुद भी तुम लोग भी शेयर कर देना एक बार इस पोस्ट को। तो थोड़ा वेट करता हूँ मैं, एक बार पॉज कर लेता हूँ शेयर करने के लिए। तो 3 शेयर हो चुका है अभी तक, हम लोगों ने 3 शेयर कर दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से एक बार इसको मैं रीलोड करता हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसका इफेक्ट देखना कितना होता है, ठीक है। 4 इंगेजमेंट शायद, अच्छा शेयर हुआ ना, 2 शेयर हुआ, यहाँ पे देखो 2 शेयर दिखा रहा है अभी। और किसने शेयर किया नहीं यार, इंस्टेंटली नहीं आता, थोड़ा समय लगता है ये सब, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 3 शेयर हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये 1 2 3 4 शेयर हो चुका है मतलब। और किसने शेयर किया तुमको यहाँ पे पता चल रहा है, कौन शेयर कर रहा है, तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुमको वो यहाँ पे पता चल जाएगा किन किन लोगों ने शेयर किया, ठीक है। तो लाइव में अभी 2 ही दिखा रहा है, बाकी सब भी आएगा, धीरे समय लगता है। तो देखो मतलब शेयर भी एक तरह से क्या है, इंगेजमेंट है, शेयर भी एक तरह से इंगेजमेंट है। अच्छा आगे जाते हैं, ये अभी आ नहीं रहा है, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द मिनट हम लोग कुछ कर लेते हैं हम, तो रीच बढ़ेगा, जस्ट वेट करो, इसका रीच बढ़ेगा। अच्छा एक तो हो गया कि तुमको यहाँ पे क्या करना है, इसमें शेयर करना है, जितना शेयर जितना ज़्यादा होगा। ये तो देखो बिना पे किए ही, तो तुमको इस पोस्ट को इस तरह से यहाँ पे डालना है कि लोग इसको शेयर भी करें, लोग इसको क्या करें, शेयर भी करें। तो कहीं ना कहीं मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं तुम पोस्ट के मदद से ये भी मतलब ये भी मैसेज छोड़ दो, पोस्ट की मदद से ये भी मैसेज होता है कि अगर किसी को ये पोस्ट इंटरेस्टेड लगा तो वो इसको शेयर भी कर दे। ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शेयर बढ़ाना है, क्योंकि शेयर बढ़ेगा तो रीच बढ़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट में तुम ये भी मेंशन कर दो, मैंने लिखा नहीं वो चीज़, तो तुम लोग जब करोगे पोस्ट, जैसे वीडियो में हम लोग वीडियो करके बोलते हैं ना यूट्यूब में कि अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, तो फेसबुक में भी पोस्ट को अगर तुम इस तरह से वहाँ पे कुछ दो तीन मतलब यहाँ पे तुम दे सकते हो, यहाँ पे भी तुम दे सकते हो। अगर किसी को ये पोस्ट अच्छा लगा या तो ये कंटेंट अच्छा लगा, काइंडली शेयर दिस, क्योंकि बहुतों का ध्यान में आता नहीं है शेयर करना। अगर किसी को अच्छा लग जाता है तो वो शेयर कर देता है ना, ना भी करे तुमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कर दिया तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है वो। क्लियर? तो पोस्ट में ये तुम मेंशन कर देना कि कहीं ना कहीं मैंने किया नहीं, तुम लोग भी इसको मेंशन कर देना कि कोई तुम्हारा उस पोस्ट को ताकि शेयर करे। ओके, दूसरा तरीका हो गया, ये देखो 6 पीपल हो गया ना अभी, तो ये मतलब थोड़ा समय के बाद इसका अपडेट आता है, तो हाँ थोड़ा लेटली आता है लेकिन आएगा, तुमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रीच मिलने वाला है अगर इस तरह से अगर शेयर किया जाए। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये अपने आप से जो शो होता है तुम्हारा पोस्ट, जैसे तुम फेसबुक को सर्फ कर रहे हो और वो सर्फ करते समय तुम्हारा मुझे पेज दिख गया तो वही होता है पेज, नॉर्मली होता है वो। ठीक है, हो सकता है उसको भी काउंट कर सकता है, उसको भी काउंट करता है, लेकिन तुम किसको काउंट कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये मैं तुम लोग को वो भी बहुत अच्छा तरीका फंडा बोलने वाला हूँ अभी यहाँ पे अपना रीच बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे तो बिना पेड का काम हो रहा है, तो बिना पे में तुम किसी को पे नहीं करो, तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं हो रहा है, बस करते जाओ। अगर आया तो तुम्हारा प्रॉफिट है, मतलब पॉजिटिव, नहीं आया तो तुम्हारा नुकसान भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा बात है कि तुम्हारा पेज शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन तुम तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं कर रहे हो ना, पे नहीं कर रहे हो, तो कोई तुमको टेंशन भी नहीं है, और आ गया तो वो प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए है। अच्छा अभी देखो ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है देखो रीच बढ़ाने का। शेयर तो हम लोग करते हैं, लेकिन शेयर तुमने कहाँ पे किया? व्हाट्सएप पे किया। अच्छा और कहाँ पे तुमने, समझ लो फेसबुक का ही बात बोल रहा हूँ मैं, तो फेसबुक में शेयर किया, अपना प्रोफाइल में किया, तुम्हारा खुद का प्रोफाइल में किया ना, तुम्हारा टाइमलाइन में शेयर हुआ। ये तुम एक काम करो, तुम किसी ग्रुप में शेयर करो, समझ में आ रहा है तुमको करना क्या है अभी, जैसे भी है करो। मतलब देखो शेयर तुम खुद कर रहे हो, जहाँ मिले शेयर करो, लेकिन दूसरे को भी बोलना पड़ेगा कि वो भी शेयर करे, अगर वो ना करे तो उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन खुद जितना हो सके अभी तुम अपने हिसाब से खुद कितना ट्राई करोगे, कितना कोशिश करोगे, पहले तो अपना टाइमलाइन पे शेयर करो, फिर फ्रेंड्स को बोलो कि वो शेयर कर दे। ठीक है, नहीं किया अभी तो कोई बात नहीं है, फिर तुम कोई देखो तुम्हारे पास, तुम किसी ग्रुप का मेम्बर हो क्या? अगर किसी ग्रुप का मेंबर हो तो बेहतर हो सके तो ग्रुप में शेयर करो, ग्रुप में शेयर होने से तुमको ज़्यादा रीच मिलता है, जल्दी मिलता है। लेकिन इसका भी एक बात है, जैसे मैं फिर से एक बार ग्रुप में शेयर करता हूँ, चलो मैं शेयर टू ए, देखो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, शेयर टू ए ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा इस तरह का ग्रुप से, जैसे मैंने ये दे दिया आइकॉन कॉमर्स कॉलेज, देखो ये। लेकिन एक बात है यहाँ पर, और एक बात है ग्रुप में जब हम लोग शेयर करेंगे, एक ग्रुप ये मैंने, चलो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर इसको शेयर कर दिया। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया। तो बहुत सारा ग्रुप में क्या होता है, जब हम लोग शेयर करते हैं, शेयर करने से बहुत सारा ग्रुप में क्या होता है कि वो ग्रुप ओनर जो है, जो एडमिन जो है, उसको अप्रूव करना पड़ेगा। मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ग्रुप एडमिन है, जो भी ग्रुप ओनर है, उसको किसी ग्रुप में ओनर का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, अपने आप से वो वहाँ पर शेयर हो जाता है। लेकिन अगर उस तरह से किसी ने ग्रुप को बना के उस तरह से सेट करके रखा है कि जब भी कोई पोस्ट आए वो अप्रूव करेगा, तभी वो पोस्ट वहाँ पे दिखाई देगा, तो उसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा। तो चाहे तो वो एडमिन उसको अप्रूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये तुम्हारे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जस्ट तुम शेयर कर दो। तो तुम देखो कौन एडमिन उसको शेयर अप्रूव करेगा, उस हिसाब से तुम देख के उसको शेयर करना। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि तुम ग्रुप में शेयर करो। जैसे एक तो नॉर्मली शेयर किया तुमने, ये तुमको और भी ज़्यादा रीच देने वाला है, ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, हाँ ये सडनली आएगा, देखना पिक आएगा इसमें। तो ग्रुप में शेयर करो, अभी मैंने बोला तुमको, अभी तुमको देखना है तुम जिस ग्रुप में शेयर कर रहे हो उस ग्रुप का मेंबर कितना है। देखो छोटा मोटा ग्रुप में शेयर का कितना बेनिफिट नहीं आने वाला है, बस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तुम जिस ग्रुप में शेयर कर रहे हो उस ग्रुप में मेंबर कितना है, ये भी तुमको ध्यान देना है अभी। ठीक है, देखो एक जैसे मेरे अपना प्रोफाइल मैंने शेयर कर दिया, किसी एक प्रोफाइल में कितना फ्रेंड होता है, 5000 यहाँ पे मैक्सिमम होता है शायद, हाँ तो हाँ मैक्सिमम सबका तो 5000 होगा नहीं, कम ही होगा शायद। तो 5000 तक, मतलब मैंने समझ लिया कि 2000 बोल मैंने ले लिया एवरेज, ऑन एन एवरेज 2000 किसी एक, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 2000 तक ही पहुंचेगा वो, 2000 में से या तो 50 या तो 60 में मिल सकता है, 60 को मिल सकता है, रीच मिल सकता है। मतलब मैंने अपना प्रोफाइल में इसको शेयर कर दिया तो मेरा प्रोफाइल में 2000 फ्रेंड लिस्ट है, तो मतलब नहीं है कि 2000 को ही मिलेगा। क्यों? उस टाइम जो लोग फेसबुक को यूज़ कर रहा है, क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी शेयर कर दिया और इस टाइम जो जो मेरा फ्रेंड फेसबुक में फेसबुक चला रहा है वो जब चलाएगा तो उसको उस टाइम में मिल जाएगा। लेकिन कोई थोड़ा बाद आके चला रहा है, कोई थोड़ा 2-3 घंटे के बाद आके दिख रहा है, तो उसको शायद मेरा पोस्ट नहीं दिखे क्योंकि वो पुराना हो गया पोस्ट, क्योंकि उसका प्रोफाइल में तो लेटेस्ट पोस्ट दिखेगा ना। मैंने इंस्टेंटली शेयर किया, वो बैठा हुआ है तो मेरा पोस्ट को दिख जाएगा। तो यही बात है, तो तुम लोग ध्यान देना, वो टाइमिंग भी ध्यान देना कि कौन सा टाइम यूज़र फेसबुक लेके बैठता है। एकदम बिजी टाइम में तुम शेयर मत करो, क्योंकि बिजी टाइम में सब लोग अपना काम में व्यस्त रहता है। तो टाइमिंग भी मैटर करता है यहाँ पे, जो टाइम में लोग ज़्यादा लोग फेसबुक में कॉन्सेंट्रेट रहता है, फ्री टाइम में मतलब, ठीक है। तो जैसे समझ लो कि शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सबका काम खत्म हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का वो घर में बैठ के फेसबुक करता है जो भी हो, तो उस टाइम में तुमको ध्यान रिसर्च करना पड़ेगा वो सब चीज़ें, तो उस टाइम में शेयर करो तो तुम्हारा रीच बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड मैंने क्या बोला, ग्रुप मेंबर दिखना है। अभी देखो तुम ट्राई करो, कोशिश करो कि कुछ ग्रुप में खुद ब खुद मेंबर हो जाने के लिए। हालांकि अभी तुम बहुत सारा ग्रुप में मेंबर हो नहीं, समझ लो बहुत सारा ग्रुप का तुम मेंबर हो नहीं, लेकिन तुम कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम ग्रुप मेंबर होगे नहीं तो उसमें तुम पोस्ट शेयर नहीं कर पाओगे। तो तुमको करना क्या है, मैन्युअली ये सब देखो मतलब बिना पे किए ही करना पड़ रहा है तुमको। तो नहीं भी आया तो कोई नुकसान नहीं है, और आया तो प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे देखो मैं जिस ग्रुप का मेंबर हूँ वही ग्रुप में मैं शेयर कर पाऊँगा, बाकी ग्रुप तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मैं ग्रुप में जाता हूँ। अच्छा, ग्रुप बोलने से ये मेरा अपना पेज में जाना पड़ेगा, मेरा प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ तुमको ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट। तो हाँ, ये ग्रुप्स है, ठीक है। इस ग्रुप्स में जा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो शुक्र अली पहले आ गया, क्या इसको पहचानते हो? बहुत कॉमेडी है ये चीज़। ये इलेक्शन में बीजेपी के साथ, बीजेपी का मतलब ज्वाइन किया इसने। चलो ये हम लोग का टॉपिक नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, अभी देखो यहाँ पे देखो ये सब कुछ ग्रुप्स है, ठीक है। इन ग्रुप्स का मैं मेंबर हूँ, समझ में आ रहा है? ये कुछ ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स का मैं मेंबर हूँ। तो कुछ कुछ ग्रुप्स है इस तरह का, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक ग्रुप। अच्छा, मेरा पोस्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है तुमको ध्यान में देखना है। अभी तुम्हारा पोस्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कोई प्रोडक्ट्स, कोई सर्विस। अभी मेरा जो पोस्ट है ये एडुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्लियर। मेरा पोस्ट एडुकेशन से जुड़ा हुआ है, एक आईटी कोर्स से जुड़ा हुआ है। थोड़ा वेट करना, हाँ। तो मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रुप, जैसे समझ लो कि मैंने कोई एक ग्रुप को भी यहाँ से इसे पिकअप कर लिया। जैसे मैं देखता हूँ कि ये वाला ग्रुप। अच्छा, मैंने क्या बोला, तुम्हारा पोस्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो मेरा पोस्ट जुड़ा हुआ है एडुकेशन से। तो मैं उस तरह का ग्रुप को ही मैं ज़्यादा मतलब ग्रुप का मेम्बर होने का मैं कोशिश करूँगा। तो एडुकेशन से जुड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी जो भी हो जहाँ पर स्टूडेंट्स हो, मैं मेरा टारगेट कौन सा होगा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कहाँ पे होगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये दिख रहा है मुझे कि LCB ललित चंद्र जो भी हो, ये एक कॉलेज है, ठीक है। तो बिना वजह इधर उधर का ग्रुप को मुझे ट्राई करके फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कॉमेडी वाला ग्रुप है, ये सब में मेरा जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, इस ग्रुप में मुझे शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस ग्रुप में जो भी मेम्बर्स हैं, हाँ कर सकते हो, अलग बात है। अगर ग्रुप मेम्बर हो तो कर दो, कोई टेंशन नहीं हो, तो करना तुम्हारा प्लस पॉइंट ये है। ध्यान में दो कि तुम्हारा ग्रुप रिलीवेंट ग्रुप तक जाए तुम्हारा, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप में इसको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, अभी तो मेरा ऑलरेडी मैं ग्रुप का मेंबर हूँ और मैंने इसमें शेयर भी कर दिया थोड़ा देर पहले ग्रुप में। तुमको मैंने बोला कि तुम इस तरह का ग्रुप्स का मेंबर होने के लिए तुम खुद ब खुद मैन्युअली तुम मेंबर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करो। लेकिन पहले देख लो ग्रुप मेंबर कितना है। अभी देखो इस ग्रुप में जा रहा हूँ, मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ। तो इसमें क्लिक करते ही इस ग्रुप का मेंबर मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो देखो यहाँ पर कितना मेंबर है, 839 मेंबर्स, समझ में आ रहा है ना। तो जितना ज़्यादा मेंबर होगा ग्रुप में तुम्हारा, उतना ज़्यादा लोगों तक रीच मतलब बढ़ेगा, मतलब पहुंच बढ़ेगा तुम्हारा पोस्ट का, ठीक है। एक तो तुम्हारा फ्रेंड प्रोफाइल लिस्ट में से आ रहा है, फ्रेंड लिस्ट में जा रहा है, तुम्हारा फ्रेंड का फ्रेंड लिस्ट में जा रहा है, तुम जितनों को भी शेयर करेगा, जो लोग भी शेयर करेगा वहाँ पे से तुम्हारा रीच बढ़ रहा है। ऊपर से तुम ग्रुप में जाके शेयर कर रहे हो, ग्रुप में अगर किसी को अच्छा लग गया वो भी शेयर करेगा, क्लियर ना। तो ये ग्रुप है, जैसे मैं तुमको और ग्रुप जैसे और ये वाला एक ग्रुप है, इसमें देखता हूँ, देखो मेंबर कितना है इसमें 2,800, मतलब इसमें मेंबर ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मेंबर वाला ग्रुप तुमको दिखता है उस ग्रुप का, अभी तो मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ, तुम उस ग्रुप का मेंबर होने के लिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करो, क्लियर। तो अगर कैसे करोगे, सर्च ग्रुप में जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे मैं लिखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कुछ ग्रुप है क्या। तो मैंने सर्च किया तो देखता हूँ स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कुछ ग्रुप अगर मुझे मिलता है तो मैं ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ दिख रहा है और हमेशा तुम यहाँ पे देखो ये सब ग्रुप शो हो रहा है, तुम ध्यान में देना है। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रुप शो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे देखो ये आ रहा है, दो ही आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दो दिख रहा है, एक तो हो गया इंडियन स्टूडेंट्स और दूसरा हो गया यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी। तो मैं गुवाहाटी से हूँ तो नो डाउट मैं, मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी यहाँ पे कितना मेंबर है, 6,000 ऑलरेडी मेंबर है और यहाँ पे देखो 27,000 मेंबर। लेकिन ये पूरा का पूरा मतलब पूरा कंट्री बेस्ड है ये, और ये गुवाहाटी बेस्ड है। तो मैं इस ग्रुप को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, टारगेट मतलब मैं इस ग्रुप तक ज्वाइन होने का मैं अभी एक ज्वाइन रिक्वेस्ट में सेंड करता हूँ। चलो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मुझे यहाँ पे शायद कहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा, कहाँ पे है ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। ओ ऑलरेडी मेंबर हो क्या मैं इसका, ठीक है, ऑलरेडी मैं इसका मेंबर हूँ, ऑलरेडी मैं इसमें मेंबर हूँ। तो मैं चाहे तो इसमें भी मेरा पोस्ट को शेयर कर सकता हूँ। अगर मेंबर नहीं हो तो ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, तो ज्वाइन में क्लिक कर देना। कुछ कभी कभी किसी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तुमको कुछ क्वेरी का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। वो अगर दे दोगे सही सही, अगर वो तो एडमिन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो कर लेगा, नहीं तो छोड़ दो, उसको कोई बात नहीं है। तो लेकिन तुम इस तरह से ज़्यादा मेम्बर वाला ग्रुप का मेम्बर होने के लिए ट्राई करो, ठीक है, और उस ग्रुप में अपना पोस्ट को शेयर करो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको बैक करता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो ये सब देखो बिना पे के ही अपना रीच बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम नॉन पेड वाला मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक अभी तक आया नहीं है अपडेट इसका। हाँ इसको एक बार, ओ पुराना वाला ही आ रहा था ना, चलो रिलोड करता हूँ मैं इसको एक बार। तो ये देखो 50 रीच हो चुका है, कितना जल्दी आ गया देखा ना। तो देखो एंगेजमेंट कितना आया, देखो 12 एंगेजमेंट आ चुका है। देखो एंगेजमेंट ज़्यादा मतलब रखता है तुम्हारे लिए, रीच तो इतना रीच से ही आएगा नो डाउट, लेकिन मतलब ये ज़्यादा कुछ अच्छा, मतलब ये पोस्ट लोगों को ज़्यादा यूजेबल है लोगों के लिए। चलो तो समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ करना पड़ेगा तुमको। देखो अगर ये सब बढ़ाना है तो कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो सकता है कि तुम ज़्यादा इससे ज़्यादा तुम एडमिन ग्रुप का एडमिन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी सेंड मत करो, तो तुमको फेसबुक ब्लॉक कर देगा। हर चीज़ ऑप्टिमाइज लेवल में होना चाहिए। तुम चाहते हो कि माँ ये ग्रुप मिला इसको ज्वाइन किया, ये ग्रुप मिला उसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ, उससे क्या होता है कि हर चीज़ जब कोई लिमिट से बाहर जाता है तो उसको फेसबुक उसको ब्लॉक कर देता है। इसीलिए समझ लो कि हफ्ते में 2-3 ग्रुप तुम ज्वाइन करने के लिए ट्राई करना, एक दिन में ही 10-12 ऐसा नहीं, तो तुम ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। फिर उसने कैंसिल किया, फिर नेक्स्ट वीक ट्राई करो या तो नेक्स्ट मंथ ट्राई करो। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको आगे जाके जाना है तुमको, क्योंकि और हर ग्रुप का तुम मेंबर तुमको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, कोई कोई तुमको रिजेक्ट भी करेगा, बहुत लोग तुमको रिजेक्ट भी करेगा। तो ठीक है चलो जो भी हो। देखो तुम यहाँ पे देखो बिना पे किए ही मैंने अपना इस पोस्ट को 50 लोगों तक पहुँचा दिया और उनमें से 12 जो है वो इंटरेस्टेड है यहाँ पे अभी। हालाँकि हम तीनों का भी यहाँ पे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो मेरा पब्लिसिटी हुआ कि नहीं, अभी बिना पे किए ही मार्केटिंग हो गया। सेकेंडली मेरा नाम का भी ब्रांडिंग हो रहा है, कोर्स का भी नेम यहाँ पे जा रहा है, लिंक भी मैं दे रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो अभी हम लोग देखेंगे ये जो 12 इंगेजमेंट हुआ उसमें से कितना लोगों ने कहाँ पे क्लिक किया। तो इसको डिटेल्स में अगर तुमको दिखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, 12 जो यहाँ पे दिख रहा है इंगेजमेंट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो तो यू विल गेट द डिटेल रिपोर्ट। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 50 पीपुल रीच, 8 लाइक्स, 2 लिंक क्लिक्स, मतलब ये समझ में आ रहा है, 2 आधार क्लिक्स, मतलब कहीं ना कहीं सेंड मैसेज या तो कहीं ना फोटो में क्लिक किया, जो भी हो कहीं पे कुछ क्लिक किया। लेकिन मेरा लिंक में 2 क्लिक हुआ, मतलब क्या वो एकदम रिलीवेंट यूज़र है। जिसको इसका मतलब है वो जा रहा है। देखो मैंने बिना पे किया ही 2 व्यूअर मैंने वो वेबसाइट को लेके आ गया। मैंने उधर से मेरा 2 व्यू बढ़ रहा है, 2 बैकलिंक मेरा बैकलिंक भी हो रहा है, व्यूअर्स भी बढ़ रहा है और एसईओ में मुझे उसमें क्या कर रहा है वो रैंकिंग मेरा बढ़ा रहा है। तो एक फेसबुक पोस्ट से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक रीच का मतलब हो गया कि बिना पे किए ही। एक होता है पेड रीच, तो अभी तक क्या नहीं बोला हम लोग ने। ऑर्गेनिक मतलब बिना पे किए तुम्हारा, ये देखो बिना पे किए मुझे कितना मतलब रीच मिल रहा है। ठीक है, 0 पेड रीच मतलब मैंने पे तो पे किया ही नहीं, इसलिए 0 पेड रीच दिखा रहा है। जो भी हो, तो ये तुम्हारा एक तरह से तुम सोशल मीडिया में फेसबुक की मदद से अपना पोस्ट किस तरह से डाल के उसका तुम एडवर्टाइज़ करवा सकते हो, एड दे सकते हो अपना। समझ में आ रहा है बात। और बाकी ये सब चीज़ इतना खास मतलब नहीं लगता है, लाइक साइक जो भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा लिंक में कितना क्लिक जा रहा है, वही सबसे तुम्हारा बिजनेस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है पोस्ट से जुड़ा हुआ। थोड़ा मेरा गला भी बैठ गया है, थोड़ा बैठ बोलते हो तो ये एकदम से आता है, फटक से आता है उसका अपडेट। तो इस तरह से तुम लोग भी करो और बिना पे किए ही घर बैठे बैठे अपना मार्केटिंग करो। समझ में आ गया फंडा। तो अगला क्लास में हम लोग इसका पेड में जाएंगे, पेड से कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारा बातें ये सब। देखो मैं 2-3 मेन बातें बोलूँगा, बाकी तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो इस तरह से।